तो सेक्शन 194 क्यू जो ऐड हुआ था वो हुआ था साहब 1 जुलाई 2021 से, 1 जुलाई 2021 से। और जो सेक्शन 2061H है ये जो ऐड हुआ था, ये हुआ था साहब 1 अक्टूबर 2020 से, 1 अक्टूबर 2020। ठीक बात है। अच्छा तो सर एक बात बताओ, जो ये हमारा जो हम जो मतलब डील कर रहे हैं सेक्शन 194Q टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, तो क्या पहले परचेज ऑफ गुड्स में कोई टीडीएस नहीं लगता था? क्या पहले परचेज ऑफ गुड्स में कोई टीडीएस नहीं लगता था? नहीं डियर, ये कहना सही नहीं है कि पहले परचेज ऑफ गुड्स में कोई टीडीएस नहीं लगता था। गुड्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात है कि साहब व्हाट डू आई इंटरप्रेट बाय द टर्म गुड, गुड्स। अच्छा गुड्स का मतलब सर जी हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स का मतलब हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कमोडिटीज सिक्योरिटीज एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड्स का मतलब हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कमोडिटीज सिक्योरिटीज एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा तो सर एक बात बताओ, पहले जब हम इनमें से कुछ भी परचेज करते थे तो क्या ऐसा कोई भी प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं था जो कि इसकी टीडीएस की बात करता था? अच्छा दूसरा, जब आप पहले गुड्स को सेल करते थे तो क्या कोई भी प्रोविजन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं था जो कि इनमें जो कि उस सेल में गुड्स की बात करता था, मतलब जो उस सेल में टीसीएस की बात करता था? अच्छा पहला तो सवाल ये आएगा, और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि क्या सेम ट्रांजेक्शन में 194Q भी लग जाएगा और क्या सेक्शन 2061H भी लग जाएगा। तो मैं ना थोड़ा सा आपको टीसीएस के प्रस्पेक्टिव से बता देता हूं। पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम आएंगे आपके पास जो है वो टीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा तो डियर हम आपके साथ ना टीडीएस जैसे खत्म हो जाएगा, हम आपके साथ मूव कर जाएंगे टीसीएस में, टीसीएस में। और हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसका नाम है 206C, जो कि अलग अलग प्रकार के टीसीएस की बात करता है, और इसमें कुल मिला के 5 सबसेक्शन है जो कि टीसीएस की बात करते हैं। 2061, 2061C, 2061F, 2061G और 2061H। अच्छा जो 2061 है, जो 2061 है वो बात करता है कि जब आप सेल कर रहे हैं लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जब आप सेल कर रहे हैं लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मीन्स टिम्बर, तेंदु लीव्स, मिनरल स्क्रैप एक्सेट्रा, तो उस पे आपको टीसीएस करना है, उस पे आपको टीसीएस करना है, या उस पे आपको बायर से परचेज प्राइस के अलावा टैक्स भी कलेक्ट कर लेना है। तो लेट से कि अगर बायर ने अगर लेट से 1 लाख रुपए का लीगल परचेज किया विच इज मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो आप उसमें 1 लाख रुपए तो आप उससे लोगे, साथ में आप बायर को बोलोगे कि यार एक काम कर, इस 1 लाख रुपए का ना 1% बोले तो 1000 रुपए जो है वो सरकार के नाम का मुझे टैक्स दे दे। नॉर्मली क्या होता धंधा, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस बायर जब पेमेंट कर रहा होता था तो सेलर को जो वो परचेज प्राइस दे रहा होता था उसमें से कुछ हिस्सा काटकर, या सेलर को जब वो पे कर रहा होता था, पे को जब वो पे कर रहा होता था उसमें से वो कुछ हिस्सा टैक्स के नाम का काट के सरकार को जमा कर रहा होता था। ठीक बात है। पर हमने क्या देखा कि टीसीएस के मेकानिज्म में क्या होता है कि आप जिससे कोई प्राइस रिसीव कर रहे हैं, मीन्स आप जिसको जो भी कुछ सेल कर रहे हैं या आप जिसे कोई मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उससे उस गुड्स या फिर मीन्स सर्विसेज का तो पेमेंट ले ही रहे हैं, साथ में आप उससे थोड़ा सा जो अमाउंट है वो आप उससे सरकार के नाम का भी ले रहे हैं इन द नेम ऑफ टीसीएस। इसको हम क्या कहते हैं? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसको हम क्या कहते हैं? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसके रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा तो सर एक बात बताओ, जब सेक्शन 2061 था वो भी तो टीसीएस ऑन गुड्स की बात करता था, वो भी तो टीसीएस ऑन गुड्स की बात करता था, जो उसमें क्या क्या गुड्स इसमें हम कह सकते हैं कि मतलब कवर्ड है। सर इसमें कवर्ड है लिकर, इसमें कवर्ड है मीन्स टिम्बर, तेंदू लीव्स मतलब बीड़ी वगैरह का जो मतलब वो जो होता है मतलब पत्ता जो होता है जिससे मतलब सिगरेट वगैरह जो बनाई जाती है। अच्छा तेंदू लीव्स, इसके बाद इसमें कवर्ड है मिनरल्स, और इसमें कवर्ड है साहब मिनरल्स के अलावा और कुछ नहीं ना। अच्छा मिनरल्स, और हाँ स्क्रैप कवर्ड है, और इसमें लास्ट में इसमें स्क्रैप कवर्ड है। तो आप अगर इन गुड्स को भी सेल करते हैं तो भी इसमें टीसीएस तो का तो पहले से प्रोविजन था, इसमें हम आपको जो है वो टीसीएस लगाना पड़ता था सेक्शन 2061 के हिसाब से। क्या मेरी बात समझ पाए? तो सर फिर अलग से टीसीएस सेक्शन 2061H लेकर क्यों आया गया? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेक्शन 2061C, सेक्शन 2061C ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लीज पे देते हैं किसी भी तरीके का कोई पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग या फिर क्वेरिंग, उसमें आपको 2% के रेट से आपको उस लीज रेंटल
के अलावा आपको 2% का आपको उसमें टीसीएस करना पड़ता है। अच्छा, जब भी आप कोई मोटर कार वगैरह सेल करते हैं और वैल्यू एक्सीडिंग ₹10 लाख, उसमें आपको 1% उसका सेक्शन 206(c)(1) के हिसाब से आपको उसका टीसीएस करना पड़ता है। तो सर ये भी तो गुड्स ही है कि जब आप कोई कार वगैरह जब आप सेल कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गुड्स, तो उस पे आपको टीसीएस करना पड़ेगा सेक्शन 2061। अच्छा, जब भी आप पेमेंट करेंगे फॉर ओवरसीज टूर पैकेज या जब भी आप रेमिट करेंगे फॉरेक्स को अंडर दी लिबराइज रेमिटेंस स्कीम, तो उस पे आपको टीसीएस पे करना पड़ सकता है। मींस सामने वाली पार्टी आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकती है अंडर सेक्शन 2061G। तो फिर ये लास्ट में ये नया प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स सेक्शन 2061H लेकर आने की क्या रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, तो फिर हम एक एक करके बात करेंगे। डियर, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये TDS अंडर सेक्शन 194Q और TCS अंडर सेक्शन 2061H अलॉन्ग विद द अदर TCS provisions, इसमें इतनी सारी इंटरलिंकेजेस है कि आज हम आपके साथ आरटीपी के क्वेश्चन जब हम आज आपके साथ मतलब सॉल्व करेंगे, तब आपको मतलब समझ में आएगा कि इन दोनों को मिला के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। होता क्या, अगर आप कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं और मैं यहाँ पे गुड्स का मतलब लेता हूं एज अ रॉ मटेरियल और एज अ ट्रेडिंग असेट, एज अ रॉ मटेरियल और एज अ ट्रेडिंग असेट, इसके अलावा भी गुड्स हो सकते हैं, बट जब ये सेक्शन 194Q ऐड किया गया था तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जब आप कोई गुड्स परचेस करते हैं एज अ रॉ मटेरियल और एज अ ट्रेडिंग एसेट। डियर फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में जिसकी राजधानी है दिल्ली, दिल्ली में एक मतलब बाजार है जिसका नाम है चावड़ी बाजार टाइप, मतलब उस पूरे के पूरे इलाके में रोज की हजारों करोड़ रुपए की ट्रेडिंग होती है, पर सरकार को उस प्रपोर्शन में टैक्स नहीं मिलता जिस प्रपोर्शन में वहां पर रोज का टर्नओवर आता है। कारण क्या है, सारा का सारा जो है आपको ब्लैक में चला जाता है, सारा का सारा आपका अंडर इनवॉइस होता है, इवन इनवॉइस तो यूज ही नहीं होता ज्यादातर केसेस में, सारा का सारा आपका जो होता है साहब वो हम कह सकते हैं कि मतलब इसको कौन सा टर्म यूज करें कि साहब सारा का सारा जो है वो दो नंबर काम भी बोलना सही नहीं है, मीन्स अनअकाउंटेड काम होता है। ठीक है सर जी, अनअकाउंटेड काम होता है, मतलब करोड़ों का टर्नओवर, इवन करोड़ों बोलना सही नहीं है, हजारों करोड़ का टर्नओवर, और वहां से सरकार को टैक्स के नाम पे कुछ नहीं आता। तो लॉ मेकर्स ने देखा कि यार देखें, भारत देश में ट्रेडिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है, मींस बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे गुड्स का परचेज एंड सेल किया जाता है, स्टिल वो सारे के सारे लोग टैक्स के दायरे से बाहर हैं, क्योंकि अगर वो टीडीएस में अगर वो मतलब कवर भी होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड चीजों के लिए वो टीडीएस में कवर होते हैं, और जो बल्क जो हम मतलब एस्पेक्ट जो है उस पे वो टीडीएस में वो लाइबल लेनी है। और चूंकि हमने आपको पहली क्लास से बताया है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीडीएस और टीसीएस इज नॉट द कलेक्शन ऑफ टैक्स एट द अर्ली स्टेज, ये साहब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब रिसिपियंट या जिस पर्सन को इनकम अकर हुई है वो जब अपनी इनकम को डिक्लेयर करेगा उसके पहले सरकार को उस इनकम की जानकारी मिल जानी चाहिए। दैट इज द मेन पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ टीडीएस और टीसीएस। ये बात हमने आपके साथ बिल्कुल पहली क्लास से बार बार की है कि सर जी ये उद्देश्य होता है टीडीएस या फिर टीसीएस का। हाँ, रेवेन्यू भी होता है, बट रेवेन्यू से ज्यादा बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जब रिसिपियंट ऑफ इनकम अपनी इनकम को डिस्क्लोज करे उसके पहले सरकार को उस इनकम की जानकारी हो जानी चाहिए फ्रॉम दी पेयर सेल्फ, जो पर्सन उसको इनकम पे कर रहा है उस पर्सन के थ्रू ही सरकार को जो है वो रिसिपियंट की इनकम की भी जानकारी हो जानी चाहिए। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, जरा समय पास ना करते हुए। TDS ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे जनरली कौन से गुड्स कवर है साहब? यहाँ पे जनरली गुड्स ऐसे कवर हैं जो कि आपका रॉ मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि आपका ट्रेडिंग असेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा इसमें गुड्स कवर नहीं है, गुड्स को इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, तो लेट्स से कि अगर आप कोई भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हैं वो गुड्स की तरह से कंसिडर की जा सकती है। बट सर एक बात बताओ, अगर लेट्स से कि कोई ऐसा गुड्स है जो कि 194Q के पहले के किसी प्रोविजन में कवर्ड है, जैसे याद करें आपने ना हमें पढ़ाया था कि TDS ऑन सेल और परचेज ऑफ VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट, अगर आप लेट्स से कि VDA को ट्रेडिंग एसेट की तरह से रखते हैं तो वो तो आपका गुड बन गया, दैट वुड बिकम गुड्स फॉर यू। अच्छा, तो 194Q कहता है कि अगर कोई गुड्स अदर प्रोविजन ऑफ द TDS में कवर्ड है तो उसको 194Q में लेकर मत आओ।
उसको 194 क्यों मिलेगा बताओ। अगर कोई गुड्स के लिए कोई स्पेसिफिक टीडीएस का प्रोविजन है तो उसको वहां पे कवर कर लो, बाकी जितने भी गुड्स बच गए उसको 194 क्यों मिलेगा आ जाओ, बाकी जितने भी गुड्स बच गए उसको 194 क्यों मिलेगा आ जाओ। अच्छा, तो ये तो बात हुई टीडीएस की। अब हम आपके साथ साइमल्टेनियसली बात करना चाहते हैं टीसीएस की, क्योंकि डीआर ये दोनों अलग अलग नहीं पढ़े जा सकते, सेक्शन 194 क्यू और सेक्शन 206(c)(1)(h) और साथ में इसके बाकी के मतलब टीसीएस के प्रोविजन से अलग अलग नहीं पढ़े जा सकते। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 206(c)(1)(h) ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अक्टूबर 2020 से, 1 अक्टूबर 2020 से, जबकि ऑलरेडी टीसीएस बहुत सारे गुड्स के सेल में पहले से लगता है। तो अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 206(c)(1) ये भी बहुत सारे गुड्स को कवर करता है, ये भी बहुत सारे गुड्स को कवर करता है, बट उनमें से ज्यादातर गुड्स कौन कौन से हैं सर, उनमें से ज्यादातर मतलब वो मीन्स किन किन प्रकार के गुड्स को कवर करता है सर, जैसे फॉर एग्जांपल लीकर मीन्स टिम्बर, तेंदू लीव्स मिनरल, मिनरल बोले तो कोल हो गया, आयरन ओर हो गया और स्क्रैप एक्सेट्रा। अच्छा, अब लेट्स से कि ये जनरली कौन से गुड्स को कवर नहीं कर रहा, जो कि आपका रॉ मटेरियल है या जो कि आपका ट्रेडिंग एसेट है, जो कि आपका रॉ मटेरियल है और या फिर जो भी जो जो कि आपका ट्रेडिंग एसेट है, ये जनरली इन गुड्स को उस तरीके से कवर नहीं कर रहा जिस तरीके से उनको कवर किया जाना चाहिए था। तो 1 अक्टूबर 2020 को एक टीसीएस का नया प्रोविजन एड किया गया जिसमें ये कहा गया कि अगर आप गुड्स को सेल करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं उस केस में आपको टीसीएस करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 206(c)(1)(h)। पर सर एक बात बताओ, अगर आप कोई गुड्स को सेल करते हैं तो अगर मान लीजिए कि अगर आप सेल कर रहे हैं लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर आप मान लीजिए कि सेल कर रहे हैं कोल एक्सेट्रा, तो वो तो पहले से ही टीसीएस के प्रोविजन में कवर्ड है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अगर आप लेट से सेल कर रहे हैं कार तो वो ऑलरेडी टीसीएस के प्रोविजन में कवर्ड है अंडर सेक्शन 206(c)(1)(f)। मैंने कहा आपका कहना बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया, हमने जो सेक्शन 206(c)(1)(h) क्राफ्ट किया वो हमने उन गुड्स के जो कि ऑलरेडी टीसीएस के प्रोविजंस में कवर्ड हैं उनके अलावा बाकी जितने भी गुड्स हैं साहब उसके लिए क्राफ्ट किया। मतलब अगर कोई गुड्स आप सेल कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी किसी टीसीएस के प्रोविजन में कवर्ड है उसको उसी टीसीएस के प्रोविजन से मतलब डील करो। बट अगर आप कुछ पर अगर आप कोई ऐसा गुड्स सेल कर रहे हैं जो कि बाकी किसी टीसीएस के प्रोविजन में कवर्ड नहीं है वो आपका 206(c)(1)(h) में कवर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you guys getting? अच्छा, अब मेरी बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे तो ये दोनों प्रकार के सेक्शन आपस में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और बहुत जल्दी इनमें क्लैश होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कुछ एक ही सी बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि लेट से मैं बायर हूं, मैंने अपने लिए कोई ट्रेडिंग एसेट परचेज किया, मैंने अपने लिए लेट से कोई ट्रेडिंग एसेट परचेज किया जिसमें टीडीएस बाकी किसी भी प्रोविजन ऑफ दी बाकी किसी भी और प्रोविजन के तहत नहीं होना। तो बीइंग अ बायर मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि मैं 194 क्यू का टीडीएस करूं। क्या मेरी बात समझ पाए? जिस पर्सन से मैंने वो ट्रेडिंग एसेट परचेज किया वो पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो उस पर क्या करेगा, टीसीएस। अगर वो गुड्स बाकी किसी सेक्शन में कवर्ड नहीं है, लेट से वो सेक्शन 206(c)(1)(1)(f) वगैरह में कवर्ड नहीं है, तो उसके ऊपर टीसीएस का ऑब्लिगेशन है कहां पे? 206(c)(1)(h) और 90% केसेस में टीसीएस का ऑब्लिगेशन कहां पे आता है? 206(c)(1)(h). अच्छा, तो सवाल बनता है कि बायर कह रहा है कि मुझे इस पे टीडीएस करना है, सेलर कह रहा है कि मैं इस पे टीसीएस करूंगा, तो दोनों में कौन क्या करेगा? अच्छा, तो सबकी बात करते हैं, तो फिर ये करके स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ देखेंगे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। बहुत ध्यान से देखेंगे 194 क्यू का जो इफेक्टिव डेट है डेट इज फ्रॉम 1 जुलाई 2021। ये क्यों पता होना चाहिए डियर? अब तो ये आपके लिए चूंकि रेलेवेंट नहीं है क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो जिन बच्चों का प्रीवियस ईयर 21-22 था उनके लिए ये रेलेवेंट था, तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं कि कब से इफेक्टिव हुआ है, बट स्टिल हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, टीसीएस अंडर सेक्शन 206(c)(1)(h) ये इफेक्टिव हुआ है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। अच्छा, अब बहुत ध्यान से मेरी बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लें कि टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू आपको कब करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ज्यादातर टीडीएस आपको कब करना पड़ता है? जब आप सामने वाली पार्टी मीन्स पेई के अकाउंट में पैसा, मतलब जब आप पेई को पैसा दे रहे हैं या उसके अकाउंट में अपने बुक्स में पैसा क्रेडिट कर रहे हैं, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उसमें आपको अकॉर्डिंगली उसमें आपको टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत ध्यान से, टीसीएस अंडर सेक्शन 206(c)(1)(h) कब कलेक्ट करना पड़ता है? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अच्छा, पॉइंट ऑफ टीसीएस एट अ टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी, एट अ टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी। आप इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझ पाए।
टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q, टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q कब करना पड़ता है? एट अ टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट इन बुक्स विच एवर इज अर्लियर। पर टीसीएस अंडर सेक्शन 2061H कब करना पड़ता है? जब आपको पैसे एक्चुअली मिल रहे हो, जब आपको पैसे बायर से एक्चुअली मिल रहे हो, मतलब जब आपने बायर को अपने बुक्स में डेबिट किया है, उस समय आपको ये टीसीएस नहीं करना, टीसीएस अंडर सेक्शन 2061H इज एप्लीकेबल ओनली एट अ टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी। पर टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q हैज टू बी मेड एट अ टाइम ऑफ पेमेंट और एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट इन योर ओन बुक्स इन द नेम ऑफ असेसी और इन द नेम ऑफ पे विच एवर इज अर्लियर। आर यू गाइस गेटिंग? तो मुझे क्या कोई भी बताने में इंटरेस्टेड होगा कि सरकार को कौन सा पैसा, मतलब 194Q या 2061H, दोनों में से सरकार को किस अमाउंट की रिकवरी जल्दी होगी, 194Q की या 2061H की? एनीबडी इज इंटरेस्टेड? इसमें से कुछ भी डियर आपको नोट नहीं करना, सब कुछ आपकी बुक्स में है ऑलरेडी। आपके पास इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आ गई साहब, मुझे तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं इतनी मतलब मोटी मोटी किताबें हमने आपको बना के दे दी, क्या आप ये मैनेज भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और डियर अगर आप खुद भी देखेंगे उन बुक्स में, तो हमने कुछ भी अननेसेसरी या इररेलेवेंट चीजें उसमें नहीं डाली हुई। जितना जो भी आपके सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, हमने बस उतना ही उसमें रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने ना उन बुक्स को बड़ी बनाने के चक्कर में उसमें इधर उधर का ज्ञान बेवजह का डाल दिया। हमें पता है साहब कि जितना हमको सिलेबस है, उतना ही अगर आप पढ़ लें, उतना छोड़ दें, अगर उसका अगर 80-90% भी पढ़ लें, आप ऐसे ही जो है वो महाज्ञानी बन जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने अपनी बुक्स में डियर अननेसेसरी कुछ भी नहीं डाला। हाँ, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एग्जाम्पल्स ये सब तो डालने पड़ेंगे। अच्छा, तो अच्छा चले, बिल्कुल सही कुछ एग्जांपल कुछ आंसर्स आ गए। 194Q क्यों? क्योंकि साहब 194Q में सरकार जो कह रही है आपको कि आपको टीडीएस करना पड़ेगा, मतलब कि साहब पेयर टीडीएस करो कब, चाहे तुम एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो, चाहे तुम एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर अपने बुक्स में सामने वाली पार्टी मीन्स पे एक अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो, दोनों में से जो भी जल्दी होगा उस पर 194Q का टीडीएस करो। और जबकि 2061H के लिए सरकार क्या बोल रही है कि यार सेलर, सामने वाली पार्टी मीन्स बायर से टैक्स का कलेक्शन करो, बट कब करो, जब वो तुम्हें सही में पैसे दे, मतलब कि जब उसने तुम्हें सही में पैसे नहीं दिए, बट उसने कहा कि ठीक है सर जी, हम आपको पैसे ना बाद में दे देंगे और आपको अपने बुक्स का क्लोजिंग करना पड़ रहा है, और अगर आपने अपने बुक्स के क्लोजिंग के टाइम में बायर के अकाउंट में पैसे डेबिट कर दिए, उस पॉइंट में आपको आपके ऊपर 2061H का टीसीएस नहीं लगेगा। तो जब वो आपको सही में अपने गुड्स के पैसे देगा, आप अकॉर्डिंगली उसे टीसीएस भी कलेक्ट कर लेना। यू गाइस गेटिंग? तो सरकार के पास क्या जल्दी पहुंचेगा? टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। तो मुझे बताएं सरकार क्या चाहेगी कि मेरे पास जो जल्दी पहुंचे, मीन्स मेरे पास जिस चीज की इन्फॉर्मेशन भी और पैसे भी जल्दी पहुंचे। इसलिए सरकार ने क्या किया होगा, इसलिए लॉ मेकर ने क्या किया होगा, 194Q को प्रायोरिटी दे दी होगी ओवर सेक्शन 2061H। 194Q को प्रायोरिटी दे दी होगी ओवर सेक्शन 2061H। ठीक बात है, तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे, टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q विल हैव प्रायोरिटी ओवर टीसीएस अंडर सेक्शन 2061H। मतलब ये हुआ कि अगर लेट से कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसपे 194Q का टीडीएस भी लगता है और 2061H का टीसीएस भी लगता है, तो आपको क्या देखना है, आपको 194Q का टीडीएस करना है, बिकॉज टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q हैव अ प्रायोरिटी ओवर टीसीएस अंडर सेक्शन 2061H। मैं कह रहा हूं फिर से, अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसपे 194Q का टीडीएस एप्लीकेबल है, तो सर बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर डियर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पे 194Q का टीडीएस अप्लाई नहीं करता, या 194Q के टीडीएस को करने के लिए जो भी कंडीशंस हैं, जो भी प्री रिक्विजिट्स हैं, वो पूरे ही नहीं हुए, उस केस में 194Q का टीडीएस अप्लाई नहीं कर रहा, तो अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जहां पे 194Q के टीडीएस के प्री रिक्विजिट्स पूरे नहीं हुए साहब, ऐसे केस में फिर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2061H का टीसीएस होगा, प्रोवाइडेड उसके प्री रिक्विजिट्स पूरे हो जाए। ठीक बात है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, पर हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, 194Q का टीडीएस कहां कहां नहीं होगा? ऐसे गुड्स जो कि टीडीएस के लिए बाकी किसी प्रोविजन में कवर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल वीडीए कवर्ड अंडर सेक्शन 194S। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर आप वीडियो को सेल परचेज करते हैं, तो आपको जो टीडीएस करना है साहब, आपको 194S के हिसाब से करना है, आपको उसके लिए 194Q में नहीं आना। तो लेट्स से कि कोई ऐसा गुड्स है जो कि अदर प्रोविजंस में कवर्ड है, उस पे 194Q का टीडीएस नहीं करो। और बहुत जरूरी, अब ये लाइन आपको फिलहाल समझ आएगी या नहीं आएगी, टीसीएस टू बी मेड अंडर सेक्शन 206C अदर देन 2061H।
मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई ऐसा गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हैं जिसमें सेलर टीसीएस करने के लिए लाइबल है, टीसीएस करने के लिए लाइबल है अंडर सेक्शन 206C अदर देन 206C1H। मतलब सर क्या कहना चाहते हो, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे डियर, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। मैंने सामने वाली पार्टी से कोल परचेज कर लिया, मैंने सामने वाली पार्टी से कोल परचेज कर लिया, प्लीज डियर प्लीज मेरी बात पर ध्यान दे, मैंने सामने वाली पार्टी से कोल परचेज कर लिया, चले ना मिस्टर ए और ये मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कोल परचेज कर लिया, मीन्स मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कोल सेल कर दिया, लेट से रुपीज हंड्रेड लैख का। मुझे बताएंगे कोल जो है उसको सेल करने पे सेक्शन 206C1 का टीसीएस बनता है एट द रेट ऑफ 1%। तो मिस्टर बी को इस पे सेक्शन 206C1 का टीसीएस करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, मिस्टर ए क्या बोलेंगे, क्या हमने ना गुड्स परचेज किए हैं तो इस गुड्स पे हमें 194Q का टीडीएस करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टीडीएस भी और टीसीएस दोनों अप्लाई हो गए, पर यहाँ पे कोल को सेल करने पे 206C1 का टीसीएस लगता है, 206C1H का टीसीएस नहीं लगता साहब, ये 206C1 का टीसीएस लगता है। इसलिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए को कुछ नहीं करना, मीन्स नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q, और मिस्टर बी क्या करेंगे टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1। अच्छा डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, ऑल्दो इसके बारे में आपके साथ थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, बट एक आध बच्चों की क्वेरीज हमें यहां पर दिखाई पड़ रही है। अगर आप कोल को परचेज करते हैं, लेट से मिस्टर ए जो कोल परचेज कर रहे हैं, अगर वो एक अंडरटेकिंग दे देते हैं मिस्टर बी को कि यार जो मैं ये कोल परचेज कर रहा हूं ये मैं अपने फर्दर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए कर रहा हूं, इसका मैं इसको आगे मैं ट्रेड नहीं करने वाला, मतलब जो मैं आपसे कोल खरीद रहा हूं ये मैं अपने प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए यूज करने वाला हूं, मीन्स मैं इससे कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूं, मैं इसको ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं कर रहा, अगर मिस्टर ए ये अंडरटेकिंग दे दे मिस्टर बी को तो उस केस में मिस्टर बी को टीसीएस नहीं करना एज पर सेक्शन 206C1A क्या मेरी बात समझ में? मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजेक्शन है, जो कोल को सेल करने की ट्रांजेक्शन है, वो टीसीएस में कवर्ड है, सेक्शन 206C1 में कवर्ड है, पर अगर मिस्टर ही अंडरटेकिंग दे दे कि जो मैं आपसे कोल परचेज कर रहा हूं ये कोल मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए परचेज कर रहा हूं, ऐसे सिचुएशन में मिस्टर ए को कोल के लिए, मतलब ऐसे सिचुएशन में मिस्टर बी जो है जब वो कोल को जब सेल करेंगी तो मिस्टर ए से टीसीएस कलेक्ट नहीं करना एज पर सेक्शन 206C1 है, ठीक बात है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आया कि सर एक बात बताओ, अगर लेट से कोई ट्रांजेक्शन विच इज सब्जेक्टेड टू सेक्शन 206C1 टीसीएस, विच इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 206C1 टीसीएस, बट यदि उसमें 206C1A की अंडरटेकिंग की वजह से टीसीएस नहीं लगता या उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, तो ऐसे ट्रांजेक्शन क्या दोबारा से 194Q में आ जाएंगे? सीबीडीटी ने कहा हाँ आ जाएंगे। अगर सेलर आपसे टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहा तो बायर तुम सेलर से टीडीएस करोगे 194Q में, और सीबीडीटी ने सर्कुलर के थ्रू या नोटिफिकेशन के थ्रू बेसिकली ये क्लारिफाई किया कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि ऑल्दो सेक्शन 206C1 में टीडीएस में टीसीएस के लिए एप्लीकेबल है, पर यदि उनमें टीसीएस नहीं हो रहा ड्यू टू दी अंडरटेकिंग विच इज बिंग फर्निश्ड अंडर सेक्शन 206C1A, ऐसे सिचुएशन में अगर 194Q की कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उस पर टीडीएस करेगा बायर, तो डियर मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इसमें इंटरलिंकेजेस बहुत ज्यादा है, तो कंफ्यूजन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो जल्दी से बराबर टाइम पास नहीं करते, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि सेक्शन 194Q की पहले बात कर लेते हैं, तो हाउएवर नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q, टीडीएस तो हमने देखा साहब जो टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q है उसको प्रायोरिटी है ओवर टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H, और यदि किसी ट्रांजेक्शन में सेक्शन 206C1H का टीसीएस हो रहा है और यदि उसपे 194Q का टीडीएस भी अप्लीकेबल है तो 194Q का टीडीएस होगा यदि उसके बाकी कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, तो ठीक बात है। पर यदि किसी ट्रांजेक्शन में
2061H के अलावा कोई TCS एप्लीकेबल है। यदि किसी ट्रांजेक्शन में 2061H के अलावा कोई TCS एप्लीकेबल है, मतलब 2061 का TCS, 2061C का TCS, 2061F का TCS या 2061G का TCS, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ वो TCS होगा, वो TCS होगा, 194Q आपको नहीं लगाना, 194Q आपको नहीं लगाना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं साहब? तो सर एक बात बताओ, मैं ना कोई लिकर सेल कर रहा हूँ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो क्या होगा? तो उसमें आप जो सेलर हैं, आप 2061 का TCS कलेक्ट करेंगे, मैं जो बायर हूं मुझे 194Q का TDS कलेक्ट, मतलब मुझे 194 का TDS डिडक्ट नहीं करना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर जो गुड्स सेक्शन 2061 में कवर्ड है, 1C 1G 1F में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2061 में ये बेनिफिट या एक हम कह सकते हैं एस्केप रूट दिया गया। जो गुड्स सेक्शन 2061 में कवर्ड है, अगर बायर उन गुड्स के लिए एक अंडरटेकिंग दे दे टू द सेलर कि साहब मैं ये जो आपसे गुड्स परचेज कर रहा हूँ ये मैं अपने फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जनरेशन के लिए यूज करूंगा, मींस मैं इसको ऐसा ट्रेडिंग वगैरह नहीं करूंगा, ऐसे सिचुएशन में इस अंडरटेकिंग के बेसिस पे जो मतलब सेलर होगा उसको सेक्शन 2061 का TDS नहीं करना, वन का मतलब आप ही तो गलत बताते हो, उसे सेक्शन 2061 का TCS नहीं करना साहब, TDS TCS, अच्छा उसको सेक्शन 2061 का TCS नहीं करना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे सिचुएशन में जहां पे TCS अंडर सेक्शन 2061 एप्लीकेबल नहीं है ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 2061A, ऐसे सिचुएशन में 194Q लग जाएगा। और ये बात CVDT ने नोटिफिकेशन के थ्रू बताई है साहब, ठीक बात है। अच्छा सर्कुलर या नोटिफिकेशन में अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, आपको थोड़ा सा इसको जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट CVDT ने ये बात बताई है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, अब सवाल बनता है कि 194Q का TDS कब होगा, जब मैंने कितने अमाउंट के गुड्स को परचेज किया है। तो आप अगर इसके रेट को देखेंगे और इसके अमाउंट को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव TDS का रेवेन्यू कलेक्शन एट अर्ली स्टेज नहीं होता साहब, इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन होती है। रेवेन्यू कलेक्शन तो आपका आ ही जाएगा, मेन आपका यदि इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच गया तो मेरे साथ साथ देखेंगे। बायर शैल मेक TDS अंडर सेक्शन 194Q एट द रेट 0.1% ऑन द परचेज ऑफ गुड्स और एग्रीगेट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो TDS होगा वो किस पे होगा, एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ द सम एक्सीडिंग ₹50 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि मैंने पूरे साल जो गुड्स परचेज किया, मैंने 48 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, तो क्या मुझे 194Q का TDS करना है? नहीं सर, क्योंकि वो 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा। मैंने पूरे साल गुड्स परचेज किया, मैंने 52 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, क्या मुझे 194Q का TDS करना है? हाँ सर, आपको 194Q का TDS करना है, क्योंकि आपने 50 को क्रॉस करके गुड्स परचेज किया। सवाल बनता है कि मैं सेलर से कितने अमाउंट का TDS उससे चार्ज करूं? सर 52 लाख में से माइनस कर दो 50 लाख, जो बचा 2 लाख, इसका 0.1% बोले तो ₹200 का TDS बता। मैं बायर से सेलर से ₹200 का TDS माइनस करके उसे पेमेंट करूंगा ₹200 का TDS। आजकल साहब ₹200 आप अगर किसी को मतलब चंदे में दें तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, आप ₹200 का TDS काट के सरकार को दे रहे हैं। तो सरकार को भी पता है कि सर जी तुमसे TDS लेना, मतलब TDS के फॉर्म में टैक्स लेना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमें बस ये पता करना है कि कोई ऐसा सेलर है जिसने तुमको मतलब जिन्होंने तुम्हें 52 लाख की गुड्स को सेल किया। मतलब हमें ये पता चल गया कि एक ऐसा सेलर भी हमारे देश में है जो कि एक एक पार्टी को 52 लाख के गुड्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सेल कर रहा है। मींस उस सेलर की जानकारी हमारे पास आ गई। आर यू गाइस गेटिंग, किसी को ये बात समझ आई? अच्छा इनी हाउ फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम पास नहीं करते। देखें तो हमने कहा कि TDS अंडर सेक्शन 194Q ये तब होगा जब पहली तो इसकी पहली कंडीशन क्या है कि जब आप किसी सेलर से जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो आप गुड्स परचेज कर रहे हैं और इट्स एग्रीगेटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो 50 लाख को क्रॉस करे, और वो 50 लाख को जितना क्रॉस करेगा मीन्स 50 लाख से जितना एक्सीड होगा उसका 0.1% उसका TDS उसे करके सरकार को जमा करना पड़ेगा, ठीक बात। अच्छा तो सर क्या ये कोई भी बायर कर लेगा? मतलब कोई भी बायर, मैंने आज शॉप ओपन की, मैं जो हूँ वो 194Q का TDS करना शुरू कर दूं, क्या मेरे ऊपर बर्डन नहीं बढ़ जाएगा? तो सरकार ने कहा ठीक बात है, आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा और आपके ऊपर कंप्लायंसेस को कम करने के लिए हमें काम करेंगे,
194Q का TDS उसी बायर के लिए अप्लीकेबल है जिसकी इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर बिजनेस से 10 करोड़ रुपए को क्रॉस करता है। बहुत ध्यान से। बायर फॉर द पर्पस ऑफ 194Q इज अ पर्सन हुज ग्रॉस रिसीप्ट और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड्स रुपीज 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर में सच परचेज एग्रीमेंट। मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि अगर मैं प्रीवियस ईयर 23 में परचेजेस कर रहा हूं तो 194Q मेरे ऊपर अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। उसकी पहली कंडीशन या उसके सबसे बेसिक कंडीशन मुझे ये देखनी है कि प्रीवियस ईयर 21-22 में, क्यों? क्योंकि 22-23 का प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर बोले तो 21-22 उसमें मेरी टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस का 10 करोड़ से एक्सीड करती है। तो साहब अगर मेरी टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करती तो इसका मतलब मेरे ऊपर 194Q अप्लाई नहीं करेगा, मीन्स मुझे 194Q का TDS नहीं करना। तो मैं एक एलिजिबल बायर या मैं एक स्पेसिफाइड बायर फॉर द पर्पस ऑफ 194Q तब हूं जब मेरी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस 10 करोड़ से एक्सीड करे। मैं बार बार एक टर्म पे जोर दे रहा हूँ, टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस। ध्यान दीजिए, लेट्स से कि मेरे बिजनेस के टर्नओवर 3 करोड़ रुपए है और मैंने लेट्स से कि अपने कोई फिक्स एसेट को सेल कर दिया 8 करोड़ रुपए का, तो मेरे टोटल रिसिप्ट कितना है? 11 करोड़। क्या मेरे ऊपर 194Q अप्लाई करेगा? नहीं, क्योंकि 194Q के लिए जरूरी है कि आपकी बिजनेस की टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस करे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं साहब? 194Q के लिए जरूरी है कि आपकी जो बिजनेस के टर्नओवर है सर जी वो 10 करोड़ को क्रॉस करे। अगर आपके नॉन बिजनेस सोर्सेस से जो रिसिप्ट है उसको टोटल करके अगर वो 10 करोड़ को क्रॉस कर रही है वो काउंट नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि 10 करोड़ के टर्नओवर के कंसिडर किए कंपटीशन के लिए हम नॉन बिजनेस रिसिप्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक बात है। अच्छा, मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो फिर हमने आपके साथ एक ओवरऑल एक हमने आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग ले ली 194Q की। ऐसी ही कुछ बातें डियर 2061H में भी, तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे। इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। अच्छा, पॉइंट ऑफ टीसीएस एट अ टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी। तो जब आप सेलर को जब मतलब सेलर जब बायर को जब गुड्स को सेल कर रहा है जब वो एक्चुअली उसको पेमेंट मिलेगी तब वो साथ में उसका टीसीएस भी लेगा। अब सवाल बनता है सर मतलब टीसीएस का अमाउंट कितना होगा? अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड्स सेल कर दिया तो 50 लाख से जितना अधिक आपने सेल किया उसका 0.1% टीसीएस के नाम का ले लो। तो इसका मतलब लेट्स से कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 48 लाख रुपए के गुड्स को सेल किया, क्या मिस्टर ए को टीसीएस करना है? 2061H नहीं सर, क्योंकि वो 50 को क्रॉस नहीं कर रहा। क्या मेरी बात समझ पाए? मिस्टर ए ने मिस्टर सी को 52 लाख रुपए के गुड्स को सेल कर दिया, क्या टीसीएस करना है? हाँ सर, आपको टीसीएस करना पड़ सकता है क्योंकि जो सेल है वो 50 लाख को क्रॉस करेगी। तो टीसीएस कितना आपको मतलब करना पड़ेगा? 50 को जितनी सेल क्रॉस कर रही है मतलब 2 लाख उसका 0.1% बोले तो 200 रुपए। ठीक बात है। अच्छा, 2 लाख का सर जी 0.1% 200 ही होता है ना, क्योंकि इतना कम अमाउंट कैसे आ सकता है? 200 रुपए, ध्यान दीजिएगा, 2 लाख में 200 रुपए, मीन्स 50 के ऊपर जितने भी आपके सेल हैं हर 1 लाख रुपए के सेल पे 100 रुपए का टीसीएस या फिर 100 रुपए का टीडीएस। मैं फिर कह रहा हूँ, पर्पस आपसे टैक्स कलेक्ट करना नहीं है साहब, पर्पस आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन सरकार तक पहुंचानी है। ठीक है। अच्छा, तो मेरी बात पर ध्यान दीजिए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस अंडर सेक्शन 2061H, तो टीसीएस अंडर सेक्शन 2061H कब तक अप्लाई करेगा? ऑन सेल ऑफ एनी गुड्स, मतलब किसी भी गुड्स को आप सेल करें, पर कब कब अप्लाई नहीं करेगा? ऑन गुड्स कवर्ड बाय सेक्शन 2061(1F)(1G). यहाँ पर यार एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, ऑन गुड्स कवर्ड बाय। तो सर आप बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो? वो गुड्स जो सेक्शन 2061 में कवर्ड है, वो जो सेक्शन 2061 में कवर होता है, वो गुड्स जो सेक्शन 2061F में कवर होता है, वो गुड्स जो सेक्शन 2061G में कवर होता है। एक्चुअल टीसीएस हो रहा है या नहीं हो रहा वो मायने नहीं रख रहा, कवर होता है। सेक्शन 2061 में क्या कवर होता है सर? सेक्शन 2061 में कवर होता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसमें कवर होता है टिम्बर, उसमें कवर होता है तेंदू लीव्स, उसमें कवर होता है स्क्रैप, उसमें कवर होता है मिनरल्स। बट सेक्शन 2061F में क्या कवर्ड है सर? उसमें कवर्ड है परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, पर वो व्हीकल्स कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए इन द कोर्स ऑफ रिटेल सेल, मतलब B2B सेल नहीं होना चाहिए, और उसकी वैल्यू 10 लाख से एक्सीड करनी चाहिए। सर ये क्या है, इसकी बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा डियर कि वो गुड्स जो सेक्शन 2061(1F)(1G) में कवर्ड है उस पे साहब 2061H का टीसीएस नहीं लगेगा, डिस्पाइट कि आप
टीसीएस तो करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, पर एक सेक्शन ऐसा है सेक्शन 2061 जहां पे अगर गुड्स कवर्ड भी हैं, सारी की सारी कंडीशंस पूरी भी हो गई तो भी टीसीएस नहीं होगा, बिकॉज ऑफ सेक्शन 2061A जहां पे लेट्स से कि अगर आप कोल परचेज करते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन, और अगर आप एक अंडरटेकिंग दे देंगे तो सेलर आपका टीसीएस नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि एक सेक्शन ऐसा है जहां पे टीसीएस लगने के बावजूद टीसीएस नहीं लगता, स्टिल वहां पे आप सेक्शन 2061H का टीसीएस नहीं लगा सकते साहब, क्योंकि गुड्स तो सेक्शन 2061 में कवर्ड है, भले एक्चुअल टीसीएस हुआ या नहीं हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, दूसरी, गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, मैं पहुंच गया मिस्टर ए के पास गुड्स को परचेज करने के लिए, और उन्होंने कहा कि सर जी हम ना आपसे सेक्शन 2061H का टीसीएस करेंगे। मैंने कहा सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो ये गुड्स भारत के बाहर एक्सपोर्ट करूंगा। तो ठीक है, मैं उनको एक अंडरटेकिंग दे दूंगा कि मैं ये गुड्स भारत के बाहर एक्सपोर्ट करूंगा और वो मुझसे सेक्शन 2061H का टीसीएस नहीं करेंगे। अच्छा, सेक्शन 2061H का टीसीएस किस अमाउंट पे होगा, उस अमाउंट पे जो कि आपने सेल किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख, जितना 50 लाख से ज्यादा उसका 0.51% उसका टीसीएस कर लेना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। TCS under section 2061H shall be applicable only if TDS under section 194Q is not liable to be met. मतलब अगर एक ट्रांजेक्शन में दोनों ही लग जाते हैं 194Q का TDS भी और section 2061H का TCS भी, तो हमें प्रायोरिटी किसको लेनी है, 194Q के TDS को। बट लेट्स से सर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पे 194Q एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा। सर 194Q एप्लीकेबल क्यों नहीं हो पा रहा, 194Q एप्लीकेबल क्यों नहीं हो पा रहा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अच्छा, हमने कहा ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी, मिस्टर ए हैं बायर और मिस्टर बी हैं सेलर। बहुत ध्यान से, सेलर ने बायर को 48 लाख रुपए के गुड्स को सेल किया, सेलर ने बायर को 48 लाख रुपए के गुड्स को सेल किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाइज डेज। मुझे बताएं यहां पे 194Q का टीडीएस लगेगा या 2061H का टीसीएस लगेगा, सारे बच्चे बताएंगे। सर पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, 194Q के टीडीएस को। चले तो सबसे पहले इसको 194Q के टीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे 194Q का टीडीएस लगेगा, क्या बायर जो है इस 48 लाख रुपए के परचेज पे टीडीएस करने के लिए लायबल है। नहीं सर, 194Q का टीडीएस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 194Q का टीडीएस तब लगता है जब जो आप परचेज करते हैं वो 50 लाख से ज्यादा होता है। क्योंकि आपने जो परचेज किया वो सर जी 48 लाख रुपए का, इसलिए यहाँ पे 194Q का टीडीएस नहीं लगेगा, मींस बायर इज नॉट लायबल टू मेक टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर 194Q का टीडीएस नहीं लग रहा तो सेक्शन 2061H का टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, क्या यहाँ पे सेक्शन 2061H का टीसीएस लगेगा। नहीं सर, क्यों, क्योंकि जो सेलर है जो वो गुड्स को सेल कर रहा है सर जी वो 50 लाख से कम का सेल कर रहा है और 2061H के टीसीएस के लिए भी जरूरी है कि जो आप सेल करेंगे वो 50 लाख से ज्यादा का सेल करेंगे। इसलिए ना तो यहाँ पे 194Q का टीडीएस अप्लाई कर रहा है और नहीं यहाँ पे सेक्शन 2061H का टीसीएस अप्लाई कर रहा है, कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन चेंज करते हैं, बायर ने सेलर को 68 लाख रुपए का गुड्स सेल कर दिया, बायर ने सेलर को 68 लाख रुपीज का गुड्स सेल कर दिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बताएं क्या मैं आंख बंद करके 194Q का टीडीएस लगा दूं? बायर ने सेलर को 68 लाख रुपीज का गुड्स सेल कर दिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्या मैं आंख बंद करके 194Q का टीडीएस लगा दूं और मैं बोलूं बायर तुम 194Q का टीडीएस करो आंख बंद करके और कुछ नहीं सोचना? नहीं सर, क्यों, क्योंकि बायर हमें देखना पड़ेगा कि क्या एलिजिबल या स्पेसिफाइड बायर है भी या नहीं, और बायर हमारा स्पेसिफाइड बायर कब होगा, जब बायर का टर्नओवर, ये सेल हुई आपकी 22-23 में, जब बायर का टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 21-22 वो 10 करोड़ को एक्सीड करे, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि जो बायर का टर्नओवर है वो रुपीज 10 करोड़ को एक्सीड करता है या नहीं करता। हाँ सर, अगर बायर का टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 10 करोड़ को एक्सीड करता है तो बायर मेरा एलिजिबल बायर या रिक्वायर्ड बायर भी है। एलिजिबल बोलना सही नहीं है सर जी, बायर मेरा रिक्वायर्ड बायर है और साथ में जो परचेजेस है वो 50 लाख को क्रॉस कर गई, तो बायर को यहाँ पे टीडीएस करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194Q और सेलर यहाँ पे टीसीएस नहीं करेगा
अंडर सेक्शन 206C(1)(h)। अच्छा, क्या मेरी बात समझ पाए? बट लेट्स से सर किसी वजह से यहाँ पे बायर जो है वो टीडीएस करना भूल गया तो क्या होगा? तो मेरे साथ साथ देखेंगे टीसीएस अंडर सेक्शन 206 शैल बी एप्लीकेबल ओनली इफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q इज नॉट लायबल टू बी मेड एंड इवन इफ सेक्शन 194Q टीडीएस अप्लाई बायर हैज नॉट मेड टीडीएस। तो यहाँ पे हमारा टीडीएस अप्लाई करता है 194Q का, बट यदि बायर ने टीडीएस नहीं किया तो सेलर यहाँ पे टीसीएस कर लेगा। तो सेलर जब यहाँ पे गुड्स को सेल करेगा तो वो बायर से पूछेगा कि यार बायर क्या तुम टीडीएस कर रहे हो? अगर बायर कहता है नहीं तो सेलर यहाँ पे आपसे टीसीएस कर लेगा और सरकार को पैसे चाहिए। सर जी सरकार को पैसे चाहिए, पैसे से ज्यादा सरकार को इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो बायर से मिल जाए चाहे वो सेलर से मिल जाए। ठीक है, अच्छा सिचुएशन चेंज करते हैं। मैंने कहा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पूरे साल 48 मतलब पूरे साल 68 लाख रुपीस के गुड्स को परचेज किया, पर मिस्टर ए का जो टर्नओवर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 वो है 5 करोड़ रुपए। मतलब क्या हुआ कि क्या मिस्टर ए हमारे लिए रिक्वायर्ड बायर है फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस? नहीं सर, यहाँ पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q अप्लाई ही नहीं करता। यहाँ पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं करता क्योंकि बायर का यहाँ पे जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए से कम है। ठीक है सर, मतलब वो 10 करोड़ रुपए से एक्सीड नहीं कर रहा बेसिकली। अच्छा, तो अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे 194Q का टीडीएस अप्लाई नहीं कर रहा, अब हमारा पूरा का पूरा जोर कहाँ पे जाएगा? 206C(1)(h) के टीसीएस पे। मतलब हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें 206C(1)(h) का टीसीएस करना है। क्या मैंने जैसे ये देखा कि यहाँ पे 194Q का टीडीएस अप्लाई नहीं करता, मैं क्या तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे 206C(1)(h) का टीसीएस कर लूं? नहीं सर, इसके लिए सेलर भी मेरा एक रिक्वायर्ड सेलर होना चाहिए। तो हमें अब देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर 21-22 का सेलर का टर्नओवर कितना था। यदि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस करता है तब तो यहाँ पे सेलर 206C(1)(h) का टीसीएस करेगा। बट यदि लेट्स से सेलर का जो टर्नओवर है साहब वो भी 8 करोड़ रुपए ही है तो यहाँ पे सेलर भी सेक्शन 206C(1)(h) का टीसीएस नहीं करेगा। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि ना तो यहाँ पे फिर 194Q का टीडीएस होगा और ना ही यहाँ पे फिर सेक्शन 206C(1)(h) का टीसीएस होगा। मैंने कहा हाँ डियर, ना यहाँ पे टीडीएस होगा ना यहाँ पे टीसीएस होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा देखिए गडियर, ये जो प्रोविजंस हैं ये इंडस्ट्री तो इसका विरोध कर रही है, बट सरकार इसको और ज्यादा शार्प बनाने के की मतलब कोशिश कर रही है और हो सकता है कि कुछ समय के बाद प्रोबेबली बजट 2024 में जब सरकार जब मोदी जी जब थर्ड टर्म में वापस आ जाएंगे तो इस बात की बहुत संभावना है कि यहाँ पे जो 194Q और 206C(1)(h) को और ज्यादा शार्प बनाया जा सके। मतलब कि जो अभी जो फिलहाल के लिए जो 194Q के लिए टीडीएस की जो मतलब कंडीशन है वो ये है कि आपको 50 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स परचेज करने हैं और आपकी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के टर्नओवर 10 करोड़ होनी चाहिए। इसको कम भी किया जा सकता है, इसकी भी बातें हो रही है। अच्छा वो तो खैर जब होगा तब तक आप ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके होंगे, तो मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखेंगे द थ्रेशोल्ड अंडर सेक्शन 50 लाख फॉर अ प्रीवियस ईयर। अच्छी बात हमने आपके साथ देखी, ये भी देखा हमने आपके साथ बहुत ध्यान से। सेलर इज लायबल टू मेक टीसीएस अंडर सेक्शन 206C(1)(h) ओनली इफ इट्स टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एक्सीड्स ₹10 करोड़ ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो फिर हमारे लिए हमारे सेक्शन 206C(1)(h) के लिए जो मतलब सेलर है वो टीसीएस करने के लिए लायबल तभी है जब उसका टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 10 करोड़ रुपए को क्रॉस करता है। अब ध्यान दीजिएगा अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ध्यान से। टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194Q या 206C(1)(h), क्योंकि हमने आपके साथ देखा कि अगर आपको 194Q तभी अप्लाई करेगा आपके ऊपर यदि आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ रुपए को क्रॉस करता है और सेक्शन 206C(1)(h) आपके ऊपर तभी अप्लाई करेगा बिंग दी मींस सेलर यदि आपका टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 10 करोड़ रुपए को क्रॉस करता है। ठीक बात है, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का टर्नओवर। तो लेट्स से अगर आपके नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से जो रिसिप्ट है वो आपके बिजनेस के टर्नओवर के पर्पस के लिए कंसिडर नहीं की जाएगी। अच्छा, नॉन बिजनेस टर्नओवर और रिसिप्ट लाइक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर। और ये सारी की सारी बातें सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर के थ्रू बताई है। ठीक बात है। अच्छा दूसरी बात,
सेक्शन 194Q इज नॉट एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बायर. सेक्शन 194Q इज नॉट एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बायर. मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. सेक्शन 194Q की एप्लीकेबिलिटी के लिए जरूरी है सर क्या कि आप जो है वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स परचेस करें और इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए. क्या मेरी बात समझ पाए? बट लेट्स से सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिस्टर ए प्रीवियस ईयर 22-23 में 194Q करने के लिए लायबल है या नहीं, इसके लिए हमें दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी. पहला कि जिस सेलर से वो गुड्स परचेस कर रहे हैं वो 50 लाख रुपए से ज्यादा हो. दूसरा 21-22 में इनका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ को एक्सीड करे. बट लेट्स से इनका अगर इनकॉर्पोरेशन ही 22-23 में हुआ है, अगर इनका इनकॉर्पोरेशन ही प्रीवियस ईयर 22-23 में हुआ है, तो फिर क्या 194Q उनके ऊपर अप्लाई करेगा यदि ये प्रीवियस ईयर 22-23 में 50 लाख रुपए से ज्यादा की गुड्स परचेस करते हैं? फिर से लेट्स से मिस्टर ए ने अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट किया है 1 अप्रैल 2022 को और वो मिस्टर बी से गुड्स परचेस करते हैं 80 लाख रुपए का इन द प्रीवियस ईयर 22-23, क्या मिस्टर ए के ऊपर 194Q अप्लाई करेगा? सर यहां पे चूंकि मिस्टर ए का इनकॉर्पोरेशन ही इसी प्रीवियस ईयर में हुआ है, 194Q की कंडीशन पूरी नहीं हुई जो ये कहती है कि आपका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए. इसलिए मिस्टर ए के लिए सेक्शन 194Q ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई नहीं करेगा. तो जिस साल मिस्टर ए का इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस साल इनको 194Q के टीडीएस के लिए बॉदर नहीं करना. ठीक बात है. अच्छा आगे आते हैं. अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. आइडिया हमने कहा कि जो हमारे मतलब गुड्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ 194Q एंड सेक्शन 206C(1)H, इसमें आपकी क्या क्या चीजें कवर हो सकती हैं? ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कमोडिटीज, सिक्योरिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा. अब सर जी एक बात बताओ, इन चीजों की तो आपने ये जो चार चीजों के नाम का जो मतलब नाम लिया, इसमें से कमोडिटीज का ज्यादातर ट्रेडिंग कहाँ पे होती है? कमोडिटीज एक्सचेंज में. सिक्योरिटीज की ज्यादातर मतलब ट्रेडिंग कहाँ पे होती है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में. और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की भी हमारे देश में साहब मतलब ट्रेडिंग शुरू हो गई, पर कहाँ पे? रिकॉग्नाइज्ड पावर एक्सचेंजेस में. तो लेट्स से कि मैंने कमोडिटीज परचेज की, डेट इज गुड्स. अगर मैंने कमोडिटी परचेज की साहब, वो गुड्स है. अगर मैंने कमोडिटी परचेज की लेट्स से मिस्टर बी से, मींस 1-to-1 कोरिलेशन बन गया, मींस बायर और सेलर यहां पे रेडली आइडेंटिफिएबल है, तो मुझे अकॉर्डिंगली 194 का टीडीएस या मिस्टर बी को अकॉर्डिंगली सेक्शन 206(1)H का टीसीएस करना पड़ेगा. पर लेट्स से मैंने गुड्स परचेज किया किसी कमोडिटी एक्सचेंज से, तो सर जी कमोडिटी एक्सचेंज खुद से तो अपने घर में गुड्स बनाता नहीं है. वो क्या करता है? वो बायर और सेलर के बीच में इंटरलिंकेज का काम करता है. लेट्स से मुझे गुड्स परचेस करना था, लेट्स से मुझे कोल परचेस करना था. बहुत ध्यान से मान लीजिए कि मुझे कोल परचेस करना था. अगर मैं मिस्टर बी बिंग द सेलर उसको खुद से आइडेंटिफाई करके कर पाने में कामयाब हो गया, तो मैं डायरेक्टली मिस्टर बी से परचेस कर लूंगा. बट लेट्स से मुझे लगता है कि नहीं यार, मिस्टर बी मुझे ज्यादा रेट बता रहे हैं, मुझे ना बाकी लोगों से भी पता करना चाहिए, या मुझे ना इसे कमोडिटी एक्सचेंज से देखना चाहिए. तो मैं लेट्स से कमोडिटी एक्सचेंज चला गया और वहां पे चूंकि बहुत सारे मींस एक्सचेंजेस में क्या होता है डियर, बहुत सारे बायर्स होते हैं, साथ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गुड्स को सेल कर रहे होते हैं, तो वहां पे मुझे सही रेट मिल जाता है. तो वहां पे तो मान लीजिए कि मैंने कमोडिटी एक्सचेंज से कोई कमोडिटी परचेस की और लेट्स से मैं जो कमोडिटी परचेस कर रहा हूं, ये कमोडिटी एक्सचेंज है, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है. हो सकता है कि कमोडिटी एक्सचेंज मिस्टर बी की ही कमोडिटी मिस्टर ए को सेल करे. हो सकता है कि कमोडिटी एक्सचेंज मिस्टर बी की ही कमोडिटी मिस्टर ए को मतलब वो कर दे, पर यहां पे बायर और सेलर का 1-to-1 रिलेशन या 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है साहब. यहां पे बायर और सेलर यदि आपस में लिंक हैं तो कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू हैं. इसलिए चूंकि बायर को ये नहीं पता कि सेलर कौन है, सेलर को ये नहीं पता कि बायर कौन है, अगर यहाँ पे टीडीएस या टीसीएस कर लिया जाएगा तो फिर उसका क्रेडिट किसको मिलेगा, मतलब वो टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट कौन लेगा? तो इसमें बहुत सारे प्रोसीजरियल और प्रैक्टिकल मतलब इश्यूज आ सकते हैं. इसलिए सीबीडीटी ने कहा कि ठीक है साहब, अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप कमोडिटीज सिक्योरिटीज इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह को डील कर रहे हैं विद रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और रिकॉग्नाइज पावर एक्सचेंज वगैरह, उसमें 194Q और सेक्शन 206C(1)H एज द केस में भी अप्लाई नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि वहां पे 1-to-1 हम कह सकते हैं कि मतलब लिंक बिटवीन द बायर एंड सेलर स्टैब्लिश करना
बहुत मतलब केसेस में पॉसिबल नहीं होता, तो फिर इशू बन सकता है कि अगर लेट्स से कि अगर आपने टीडीएस कर लिया तो टीडीएस का मीन्स क्रेडिट फिर मतलब किसको मिलेगा वगैरह वगैरह, तो इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने झंझट ही खत्म कर दिया, हमने कहा कि आपको वहां पे टीडीएस टीसीएस नहीं करना। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q सेक्शन 206(1)(h) डू नॉट अप्लाई ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज सेल ऑफ कमोडिटीज सिक्योरिटीज इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज पावर एक्सचेंजेस एज देयर में बी डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग वन टू वन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। ठीक बात है, अच्छा बहुत ध्यान से। अब लेट्स से सर जी मान लीजिए कि बायर जो है वो गुड्स परचेज कर रहा है, पर जो सेलर है उसकी इनकम एग्जम्प्ट है, उसकी इनकम एग्जम्प्ट है। तो सर सेलर की इनकम कैसे एग्जम्प्ट हो सकती है? सेलर की इनकम एग्जम्प्ट हो सकती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर रेलेवेंट लॉ अगर ऐसा, अगर मान लीजिए कि बायर अगर गुड्स परचेज कर रहा है और यदि सेलर की इनकम एग्जम्प्ट है, तो उस केस में बायर को 194Q का टीडीएस नहीं करना। इसी तरीके से सेलर जब गुड्स सेल कर रहा है बट यदि बायर की इनकम एग्जम्प्ट है, उस केस में सेलर को भी सेक्शन 206(1)(h) का टीसीएस नहीं करना। पर यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनकम एग्जम्प्ट होगी साहब वो पूरी इनकम एग्जम्प्ट होनी चाहिए। यदि आपकी पार्ट ऑफ द इनकम एग्जम्प्ट है तो आपका टीडीएस या टीसीएस ऐसे केस में भी उसका प्रोविजन अप्लाई कर जाएगा अगर आपकी पार्ट ऑफ द इनकम एग्जम्प्ट। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा तो फिर ना जल्दी से फिर चलें, फिर बुक ओपन करें और मेरे साथ साथ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने आपके साथ 194R देख लिया था, बेनिफिट परक्विजिट इन रिलेशन टू बिजनेस प्रोफेशन, और आरटीपी का क्वेश्चन भी मैं आपको आज की क्लास में दिखाऊंगा कि मैं आपको मैं बेसिकली किस आरटीपी मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा था 194R के लिए, और आपको भी डियर समझ में आएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जल्दी से मेरे साथ साथ आएंगे और जल्दी से देखेंगे, अब समय बर्बाद ना करते हुए देखेंगे सेक्शन 194Q। हियरिंग हिसाब सेक्शन 194Q टीडीएस एंड टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, एनी पर्सन बींग दी बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू अ रेसिडेंट सेलर, मतलब ये हुआ कि बायर आपका रेजिडेंट भी हो सकता है नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। फिलहाल के लिए हमें यह पता चला कि बायर आपका रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, क्योंकि किसी रेजिडेंट सेलर को कोई भी सम पे कर रहा है किसके लिए, फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स जिसकी वैल्यू एक्सीड करती है ₹50 लाख इन द प्रीवियस ईयर शैल एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट और एट अ टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर मेड टीडीएस एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ सम एक्सीडिंग ₹50 लाख एज इनकम टैक्स। तो जो पैसा ₹50 लाख से एक्सीड कर रहा है उसका आपको अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स आपको उसका टीडीएस करना है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो सर मान लीजिए कि जो मतलब सेलर है वो अपना अगर पैन वगैरह फर्निश नहीं कर रहा तो फिर हमारा तो फिर सेक्शन 206(a)(a) लग जाएगा। और यदि लेट्स से कि मतलब जिस पर्सन से हमने गुड्स को परचेज किया है अगर वो अपने आईटीआर वगैरह फाइल नहीं कर रहा तो फिर यहाँ पे सेक्शन 206(c)(a) भी लग जाएगा। तो ऐसे केस में जो रेट ऑफ टैक्स है वो बढ़ जाता है डियर, और ये बढ़ के 20% तक हो सकता है, बट ये 5% तक रहेगा। तो मेरे साथ साथ देखेंगे इनकेस दी एसएससी डज नॉट फर्निश पैन टू दी डिडक्टर, मतलब यदि सेलर बायर को अपना पैन नहीं देता तो सेक्शन 206(c)(a)(a) लग जाएगा। या फिर यदि वो अपना आईटीआर फाइल नहीं कर रहा, सेलर यदि अपना आईटीआर फाइल नहीं कर रहा तो सेक्शन 206(c)(a)(b) भी लग जाएगा इन केस ऑफ नॉन फाइलर ऑफ आईटीआर। द रेट ऑफ टीडीएस शैल बी 5% इंस्टेड ऑफ 1% इसकी बात करते हैं। अच्छा अब लेट्स से कि अगर आपने जो अमाउंट है वो अगर आपने मतलब सेलर के अकाउंट में क्रेडिट ना करके कोई सस्पेंस अकाउंट वगैरह में डाल दिया तो इसको माना जाएगा कि आपने सेलर के अकाउंट में उस सम को क्रेडिट कर दिया और अकॉर्डिंगली आपको उसका टीडीएस करना पड़ेगा। ये बात हमने देखी थी। अच्छा देखेंगे मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर 5 द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजैक्शन ऑन व्हिच टैक्सेस आर डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड टैक्सेस कलेक्टेबल अंडर सेक्शन 206(c) अदर देन 206(a)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 (a
206C1C, 206C1F या 206C1G। अगर यहां पे अगर TCS के लिए अगर पर्सन लाइबल है, उस केस में आपको TDS नहीं करना, मींस 194Q का TDS नहीं होगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इन केस अ ट्रांजिशन ऑन विच बोथ सेक्शन 206C1H एंड सेक्शन 194Q अप्लाइज,
टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q. हाउएवर इफ फॉर एनी रीजन TCS मेड बाय द सेलर अंडर सेक्शन 2061H, तो लेट्स से कि आपको करना है TDS, बट लेट्स से कि अगर किसी वजह से अगर TCS हो गया बाय दिस सेलर, ऐसे केस में क्या होगा, बिफोर द बायर कुड मेक द TDS ऑन द सेम ट्रांजेक्शन, सच ट्रांजेक्शन वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू TDS अगेन बाय द बायर. तो अगर लेट्स से मान लीजिए कि अगर किसी वजह से अगर मतलब सेलर जो है वो TCS कर लेता है अंडर सेक्शन 2061H, तो अगेन आप तो अगेन बायर को TDS नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी साहब सरकार के पास जानकारी पहुंचनी थी, वो पहुंच गई. अच्छा, मेरे साथ साथ देखेंगे. बायर मीन्स अ पर्सन रेजिडेंट इन, बायर मीन्स अ पर्सन, तो आपका जो मतलब बायर हो सकता है वो आपका कौन हो सकता है, रेजिडेंट तो होगा ही होगा, साथ में नॉन रेजिडेंट बायर भी हो सकता है. बट सर जी, नॉन रेजिडेंट बायर सिर्फ और सिर्फ उस केस में होगा यदि जो वो परचेज कर रहा है वो उसके इंडियन पीई से कनेक्टेड है, यदि वो जो परचेज कर रहा है वो उसके इंडियन पीई से कनेक्टेड है. सही है क्या? अच्छा, डिफरेंस यदि कोई नॉन रेजिडेंट है जो कि इंडिया से गुड्स को परचेज करता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो कि इंडिया से गुड्स को परचेज करता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, तो जनरली वहां पे कोई बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता, और सेक्शन 91 कहता है यार कि उस पर किसी भी तरीके का इनकम लायबल टू टैक्स इन इंडिया नहीं होगा, बिकॉज यू आर मेकिंग द परचेज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया. बट लेट्स से कोई नॉन रेजिडेंट है, बहुत ध्यान से, लेट्स से कोई नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया से गुड्स को परचेज करता है अपनी फैक्ट्रीज वगैरह के लिए जो उसके इंडिया में, मतलब इसके इंडिया में वो फर्दर प्रोसेसिंग या इंडिया में वो फर्दर सेल वगैरह कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में उस नॉन रेजिडेंट की इनकम भारत में ड्यू टू वर्कर अराइज हो सकती है, और ऐसे केस में उसकी बिजनेस इनकम भारत में डीम टू वर्कर अराइज हो सकती है. अब तो इसमें बहुत सारी बातें करने की है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन रेजिडेंट की जनरल कौन कौन सी इनकम हो सकती है, चलिए टाइम पास कर ही लेते हैं. नॉन रेजिडेंट की जनरल इनकम क्या क्या हो सकती है, मैं कहता हूँ कि नॉन रेजिडेंट इंडिया से इनके पास जनरली कौन कौन सी इनकम आ सकती है, इंडिया के पास से इनकम आ सकती है डिविडेंड की, इंटरेस्ट की, सैलरी की, इंडिया के पास इनसे इनकम आ सकती है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की, रॉयल्टी की, अच्छा इंडिया से इनके पास इनकम आ सकती है पीजीबीपी की. डियर फ्रेंड्स, अब मैं जो एक शब्द बोलूंगा ना उसमें बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, नॉन रेजिडेंट की जो बिजनेस इनकम भारत में टैक्सेबल होती है, नॉन रेजिडेंट की जो बिजनेस इनकम भारत में टैक्सेबल होती है वो तभी टैक्सेबल होती है यदि वो बिजनेस इनकम उसकी भारत में पीई से, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से लिंक्ड हो, एज पर आर्टिकल 7 ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन ऑफ OECD और UN. मतलब युवा की एक नॉन रेसिडेंट अपने बिजनेस इनकम में सोर्स स्टेट में तभी लायबल टू टैक्स होता है यदि उसकी बिजनेस, यदि उसकी वो इनकम उसके उस सोर्स स्टेट के पी से कनेक्टेड हो. सर कहना क्या चाहते हो, सर क्या कहना चाहते हो? अच्छा, लेट्स से चाइना की कोई कंपनी जिसका नाम है ग्रेट वॉल मोटर्स, वो एक नॉन रेजिडेंट है और वो इंडिया में अपने कार वगैरह को सेल करता है, वो अपने इंडिया में अपने वो गाड़ियों को सेल करता है, ठीक बात है, तो उसकी जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ी को सेल करके, कार को सेल करके उसकी जो इनकम आएगी साहब, वो पीजीबीपी की इनकम है, वो ग्रेट वॉल मोटर्स के हैंड में भारत में तभी टैक्सेबल होगी एज पर इंडिया चाइना DTAA. मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं DTAA की बात कर रहा हूं. यदि ग्रेट वॉल मोटर्स की इंडिया में पीई हो, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो, सर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आर्टिकल 5 ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन ऑफ OECD एंड UN कहता है कि साहब परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में कुछ भी हो सकता है जो फिक्स हो आपका, जो आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह से एक्ट करे. तो लेट्स से अगर ग्रेट वॉल मोटर्स इंडिया में अपने शोरूम से आउटलेट्स बनाती है, डेट इज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, अपने सर्विस सेंटर बनाती है, डेट इज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, अपने अपने जो है वो रिप्रेजेंटेशन सेंटर्स बनाती है, डेट इज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्रीज लगाती है, डेट इज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, मतलब वो कुछ भी कर ले इंडिया में जो कि एक परमानेंट या फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस के हिसाब से कर रही है, डेट इज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. मतलब मुद्दे वाली बात यहाँ पर, टाइम पास सर जी, टाइम पास हो रहा है. अच्छा, आर्टिकल 5 के हिसाब से जब तक एक नॉन रेसिडेंट का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट सोर्स स्टेट में नहीं बनता, आर्टिकल 7 कहता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट उस समय तक उस सोर्स स्टेट में टैक्सेबल नहीं है. सिर्फ कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, बिजनेस प्रॉफिट की. अगर आप डिविडेंड, इंटरेस्ट या सैलरी वगैरह रिसीव कर रहे हैं, FTS या फिर रॉयल्टी वगैरह रिसीव कर रहे हैं, वो आपका इसके लिए परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. या आपका बिना परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के भी सोर्स स्टेट में टैक्सेबल हो सकता है. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? अच्छा चलो, बात अगर निकली गई तो थोड़ी सी दूर तलक जाने दें, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ना RTP का क्वेश्चन भी था इसमें बेसिकली.
मैंने कहा कि बिजनेस प्रॉफिट जो होता है एडीआर वो सोर्स स्टेट में तभी टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट यदि सोर्स स्टेट में नॉन रेसिडेंट एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मेंटेन करता है। ठीक है, अच्छा, दो तरीके से मॉडल टैक्स कन्वेंशन जनरली बनाए जाते हैं, ऐसे तो तीन है पर दो की बात कर लेते हैं। अच्छा, बात दो की करेंगे पर एरो हमने तीन लगा दिया, एक ओईसीडी, एक है यूएन और दूसरा है यूएन और थर्ड है यूएस। अच्छा, यूएस मॉडल एज सच ज्यादा एप्लीकेबल नहीं इसलिए इसको साइड कर देते हैं। तो बात करते हैं ओईसीडी मॉडल की और यूएन मॉडल टैक्स कन्वेंशन की। ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन कहता है बहुत ध्यान से कि जितना प्रॉफिट उस नॉन रेसिडेंट के परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट को अट्रिब्यूटेबल है उतना ही उसका बिजनेस प्रॉफिट सोर्स स्टेट में लायबल टू टैक्स होगा। मतलब अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में अपना परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बना के बिजनेस कर रहा है तो जितना प्रॉफिट उसका उस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में अट्रिब्यूटेबल है उतना ही प्रॉफिट उसका इंडिया में लायबल टू टैक्स होगा एज पर ओईसीडी मॉडल। इसमें एक बहुत खास बात आती है, ओईसीडी मॉडल के हिसाब से एक बहुत खास बात आती है। ओईसीडी मॉडल कहता है, ध्यान दीजिएगा, लेट्स से ग्रेट वॉल मोटर्स ने, बहुत ध्यान से, यदि ग्रेट वॉल मोटर्स ने इंडिया में अपने आउटलेट्स वगैरह बना लिए कार को सेल करने के लिए और इससे वो इंडिया में कार को सेल करता है, बहुत ध्यान से इंडिया में वो कार को सेल करता है, लेट्स से 10,000 कार्स पर अनम पर ईयर। तो इंडिया में उसमें वो अपने आउटलेट से कार को सेल करता है, मतलब अपने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब पी से। अच्छा, एक काम वो और करता है, वो क्या करता है, वो कुछ कार्स को पी के थ्रू सेल ना करके डायरेक्टली सेल कर देता है टू दी कस्टमर्स। मतलब कुछ ऐसे कार्स हैं, लेट्स से 10,000 कार्स और हैं जिसको वो पीई से सेल ना करके अपने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से सेल ना करके डायरेक्टली टू दी कस्टमर को सेल कर देता है। मींस उसका उसके ब्रांच से आउटलेट से कोई लेना देना नहीं है, कस्टमर्स तक डायरेक्टली उसकी डीलिंग होती है। एक बात है, अच्छा, ओईसीडी मॉडल कहता है, बहुत ध्यान से, ओईसीडी मॉडल कहता है कि सिर्फ वो प्रॉफिट जो इस पी से अट्रिब्यूटेबल है उतना प्रॉफिट आप इंडिया में टैक्स कर सकते हैं। मतलब सिर्फ 10,000 गाड़ियों का प्रॉफिट, ओनली 10,000 कार्स प्रॉफिट। क्या मेरी बात समझ पाए साहब? पर सर ये तो गलत बात है, आप बाकी 10,000 गाड़ियां भारत में इसलिए सेल कर पा रहे हो ना क्योंकि भारत के कस्टमर्स को आपके ऊपर यकीन है कि आपका भारत में ब्रांच है, अगर कल दिन कोई परेशानी हो गई तो आपसे डील कर सकते हैं। ये 10,000 जो एक्स्ट्रा गाड़ियां आप सेल कर रहे हो ये क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपने अपने भारत में एक ब्रांच ओपन की हुई है। आर यू गाइस गेटिंग? क्या मेरी बात किसी को समझ आ रही है साहब? अच्छा, पर ओईसीडी कहता है नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 गाड़ियों का प्रॉफिट भारत में टैक्स करोगे। यूएन मॉडल कहता है कि आप जो एक्टिविटी पी के थ्रू कर रहे हो उसका प्रॉफिट तो भारत में टैक्स करोगे ही करोगे, साथ में जो एक्टिविटी आप जो पी के थ्रू कर रहे हो ऐसी सिमिलर एक्टिविटीज अगर आप पी के बिना भी कर रहे हो भारत में वो भी आप भारत में टैक्स करोगे। मतलब जो एक्टिविटी आप पी के थ्रू कर रहे हो, मतलब सर जी 10,000 गाड़ियां, साथ में जो एक्टिविटी आप पी के बिना कर रहे हो, मतलब 10,000 गाड़ियां, मीन्स 10,000 गाड़ियों का प्रॉफिट जो पी के थ्रू है और 10,000 गाड़ियों का प्रॉफिट जो पी के बिना है, मतलब साहब टोटल 20,000 गाड़ियों का प्रॉफिट भारत में टैक्स होगा इन द हैंड्स ऑफ जीई मोटर्स, मतलब इन द हैंड्स ऑफ ग्रेट वॉल मोटर्स। क्या मेरी बात समझ पाए सर? अच्छा, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। इसको क्या नाम देते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। तो एफओसी जो है ये ओईसीडी मॉडल में नहीं है, बट एफओसी जो है साहब ये यूएन मॉडल में है। ठीक बात है। अच्छा चलिए साहब, टाइम पास तो हो ही गया हमारा, आते हैं आगे आते हैं तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे। बायर मीन्स अ पर्सन, रेजिडेंट तो होगा ही होगा, नॉन रेजिडेंट तभी होगा जब वो जो गुड्स परचेज कर रहा है विच इज कनेक्टेड टू हिज पी इन इंडिया। क्योंकि सर जी बिजनेस प्रॉफिट एक नॉन रेजिडेंट का तभी भारत में लेवल टू टैक्स होता है जब उसका भारत में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो एज पर ओईसीडी एंड यूएन मॉडल कन्वेंशन आर्टिकल 7। और परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जो होता है सर जी वो आप आर्टिकल 5 के हिसाब से एस्टैब्लिश करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं आपके DTAA के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इसके प्रोविजन में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अच्छा, whose total sale gross receipts or turnover from the business carried on by him exceeds rupees 10 crore during the financial year immediately preceding the financial year, yaad lijiyega, not being a person as a central government may by notification specify, matlab central government chahe to kuch logon ko 194Q ke TDS ko obligation se bahar bhi kar sakti hai, bhale wo 50 lakh rupees se zyada ka sale kare, matlab 50 lakh rupees se zyada ka buy kare, ya unka jo turnover hai wo 10 crore se zyada ho, as the case may be, theek hai। अच्छा, हमने आपके साथ देखा एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस थ्रू वेयर एक्सचेंज ये अप्लाई नहीं करेगा। वेदर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट बाय द बायर, बायर जो भी पे करे उस पर टीडीएस करना पड़ेगा, वो एडवांस हो चाहे वो एडवांस ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आते हैं, एडजस्टमेंट फॉर जीएसटी एंड अदर स्टेट लेवल एंड अदर स्टेट लेवीज एंड टैक्सेस। अच्छा, अब बायर जो गुड्स परचेज कर रहा है उसमें सर जी जीएसटी भी लग सकती है, उसमें वैट भी लग सकता है, उसमें एक्साइज ड्यूटीज भी लग सकती है। बहुत ध्यान से, अगर बायर एडवांस पेमेंट कर रहा है
अगर बायर को गुड्स परचेज करना है वो एडवांस पेमेंट कर रहा है, तो एडवांस पेमेंट में जनरली ये नहीं पता चलेगा कि कितना जो कंपोनेंट है वो जीएसटी का है, नॉन जीएसटी का है, और कितना कंपोनेंट अदर पोर्शंस का है, ये हमें पता नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो पूरे के पूरे अमाउंट पे आपको 194Q का टीडीएस करना पड़ेगा। अगर आप एडवांस पे नहीं कर रहे, आप एडवांस पेमेंट नहीं कर रहे, मीन जब आप पेमेंट कर रहे हैं एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट मतलब आप पेमेंट कर रहे हैं एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट इन योर बुक्स, ऐसे केस में जीएसटी एंड नॉन जीएसटी लेवीज इसके ऊपर 194Q का टीडीएस नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड वो जो जीएसटी या नॉन जीएसटी मतलब कंपोनेंट है वो सेपरेटली इनवॉइस में मेंशन है। तो साहब हर बार यही होता है बेसिकली, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, टैक्स अंडर दिस प्रोविजन शैल बी डिडक्टेड ऑन द अमाउंट क्रेडिटेड विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी एंड नॉन जीएसटी लेवीज लाइक वेट सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी सीएसटी एक्सेट्रा इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। टैक्स डिडक्टेबल एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द सेलर, एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द सेलर मीन्स आप अपने बुक्स जो आप बनाते हैं आपने उन बुक्स में मतलब सेलर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया, मीन्स आपने एडवांस पे वगैरह फिलहाल नहीं किया। एंड द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी एंड नॉन जीएसटी लेवीज इज इंडिकेटेड सेपरेटली एज पर द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर, मतलब जो भी जीएसटी या नॉन जीएसटी लेवीज है उसको इनवॉइस में सेपरेटली मेंशन करना पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी एंड नॉन जीएसटी लेवीज आप 194Q का टीडीएस करें, बट अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपको होल अमाउंट पे 194Q का टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा, If the tax is deducted on payment basis because the payment is earlier than the credit, मतलब अगर आप कोई advance वगैरह pay कर रहे हैं, then tax would be deducted on the whole amount as if it is not possible to identify the payment with the GST component or non-GST levies component to be invoiced in future. तो साहब अगर आप तो मान लीजिए अगर आप 1,00,000 रुपए का advance payment कर रहे हैं, अगर आप let's say 1,00,000 तो कम है, लेट्स से आपने ऑलरेडी 50,00,000 का पेमेंट कर दिया और 1,00,000 रुपए का और अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो उस 1,00,000 पे पूरे के पूरे 1,00,000 पे आपको 194Q का टीडीएस करना है। भले जो है साहब इस 1,00,000 में जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें मतलब जीएसटी वगैरह भी होगा, बट हमें ये नहीं पता कि इस 1,00,000 में एक्जैक्टली फ्यूचर में कितना मतलब जीएसटी का इसका पार्ट होगा, तो आपको पूरे के पूरे 1,00,000 पे टीडीएस करना है। अच्छा, एडजस्टमेंट फॉर परचेज रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात पर ध्यान दीजिएगा। सरकार के पास यदि कोई पैसा चला जाता है सरकार उसका रिफंड नहीं देती, हाँ उसका फ्यूचर ट्रांजेक्शन में एडजस्टमेंट करवा देती है। सरकार उसका जनरली रिफंड नहीं देती, उसका जनरली फ्यूचर ट्रांजेक्शन में एडजस्टमेंट करवा देती है। एक एक्सेप्शन है जहां पे आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिल जाता है। ये तो साहब ये भी प्लानिंग थी कि अगर आपने कोई साल ज्यादा इनकम टैक्स पे कर दिया तो उसको अगले साल में एडजस्ट कर लो, पर उन्होंने कहा कि नहीं इससे तो बहुत ज्यादा बैकलेश आ जाएगा, तो इनकम टैक्स का तो रिफंड आपको मिल जाएगा बट नॉर्मली बाकी आपको किसी भी चीज का सर जी रिफंड नहीं मिलता, वो एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि मैंने ना 1,00,000 रुपए के गुड्स परचेज कर लिए, मैंने मतलब सेलर से 1,00,000 के गुड्स परचेज कर लिए, तो मैंने उस 1,00,000 में 50,00,000 के ऊपर 50,00,000 मतलब 50,00,000 पहले छोड़ दे तो बाकी कितना बचा 50,00,000, उसका 0.1% बोले तो 5,000 रुपए। अच्छा, 5,000 रुपए, 50,00,000 × 0.1% 5,000 रुपए, मैंने 5,000 रुपए का टीडीएस काट के सरकार को जमा कर दिया, ठीक बात है। अच्छा, मैंने 20,00,000 के गुड्स वापस कर दिए, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, मैंने सेलर से 1,00,000 के गुड्स परचेज किए, मैंने 5,000 रुपए का टीडीएस काट के सरकार को जमा कर दिया, मैंने 20,00,000 के गुड्स वापस कर दिए। अब इस 20,00,000 के गुड्स में ना दो तीन चीजें हो सकती है, पहला ये हो सकता है कि मुझे सेलर जो है वो रिफंड कर दे पैसा, मुझे सेलर पैसा रिफंड कर दे कि यार आपने गुड्स वापस कर दिए पैसे ले लो। सेकंड ये हो सकता है कि सेलर बोले कि ठीक है आपको ना ये फ्यूचर जब भी आप परचेज करेंगे उसमें एडजस्ट हो जाएगा, या सेलर मुझे उन गुड्स के बदले नए गुड्स दे दे, मीन्स उसे रिप्लेस करके दे दे। अच्छा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, वेयर द सेलर हैज रिफंडेड द मनी अगेंस्ट द परचेज रिटर्न, जहां पे सेलर ने मुझे परचेज रिटर्न के अगेंस्ट पैसा वापस कर दिया, ऐसे सिचुएशन में सर जी जो जीएसटी है मतलब ऐसे केस में जो मतलब टीडीएस है उसका भी एडजस्टमेंट होना चाहिए, बट देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। The tax deducted may be adjusted against the next purchase against the same sale. मतलब ये हुआ कि जो TDS का component है साहब, उसको ना उसी seller से जब आप अगली बार purchase करोगे उसमें adjust कर लेना। मैं कहता हूं सर जी मुझे अब इस seller से भविष्य में काम ही नहीं करना, TDS भूल जाओ, उसका कोई adjustment नहीं मिलेगा, हमारे पास उसका refund मांगने मत आ जाना।
तो मैंने क्या कहा कि लेट से मैंने 80 लाख रुपए, मैंने लेट से 1 करोड़ रुपए के गुड्स परचेज किए और जिसमें मैंने 5,000 रुपए का टीडीएस काटा और मैंने 20 लाख रुपए के गुड्स को मान लीजिए वापस कर दिया, तो कितना प्रपोर्शन है मेरा जो कि मेरा जीएसटी का जो है वो अमाउंट इससे डील करता है। सर 5,000 रुपए आपका जीएसटी, मतलब जीएसटी बार बार आ रहा है, 5,000 रुपए का टीडीएस था, 20 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 100 लाख रुपीज, मतलब 1,000 रुपए का टीडीएस। अच्छा ठीक है, अब लॉ मेकर कहते हैं कि अगर आपको पैसा रिफंड हो गया तो इस 1,000 रुपए का टीडीएस हम मानते हैं कि हमारे पास ज्यादा रहने दो। अगली बार जब आप गुड्स परचेस करोगे उसी सेलर से उसमें एडजस्ट कर लेना। तो लेट से कि मैंने उसी प्रीवियस ईयर में 30 लाख रुपीज का गुड्स और परचेस कर लिया, मैंने उसी प्रीवियस ईयर में उसी सेलर से 20-30 लाख रुपए का गुड्स और परचेस कर लिया, उस पर टीडीएस कितना बनता है? सर 50 लाख का तो थ्रेशोल्ड ऑलरेडी आपका एग्जॉस्ट हो गया, तो 30 लाख का 0.1% बोले तो 3,000 रुपए, तो ऑलरेडी 1,000 रुपए का टीडीएस मुझे एडजस्ट करना है, तो मैं 30 लाख के परचेस पे 2,000 का टीडीएस कर लूंगा। क्या मेरी बात समझ पाए? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाउएवर व्हेन परचेस रिटर्न इज रिप्लेस्ड बाय द गुड्स नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो लेट्स से कि आपने 20 लाख रुपए के गुड्स वापस किए और उसके बदले आपको रिटर्न आपको जो है वो रिप्लेस्ड गुड्स दे दिए गए 20 लाख रुपए के, उस केस में आपको किसी भी तरह का टीडीएस का एडजस्टमेंट नहीं करना। जब यहाँ पे ना कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर आपने जो गुड्स रिटर्न किए उसके बदले जो आपको गुड्स मिले उसकी वैल्यू अलग है जो आपने गुड्स को रिटर्न किया। मान लीजिए कि आपने 20 लाख रुपए के गुड्स रिटर्न किए, आपको जो गुड्स मिले उसकी वैल्यू 18 लाख रुपए है, ऐसा जनरली नहीं होता। आप 20 लाख के गुड्स लेके 18 लाख रुपए की वैल्यू के गुड्स लोगे नहीं, फिर भी हाइपोथेटिकली मान लें कि आपने गुड्स रिटर्न किए 20 लाख के, आपको गुड्स वापस मिले 25 लाख के, ऐसा भी जनरली नहीं होता, फिर भी हाइपोथेटिकली मान लें। तो ऐसे सिचुएशन में जो मतलब अंतर जो पोर्शन है, मतलब 20 लाख के गुड्स आपने रिटर्न किया आपको 25 का वापस मिलेगा, तो 5 लाख का जो अंतर है उसका जो मतलब टीडीएस है फिर आपको उसका एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, पर ऐसा जनरली डियर होता नहीं। अच्छा देखेंगे, वेयर नॉन रेसिडेंट कैन बी बायर अंडर सेक्शन 194Q। नॉन रेसिडेंट सेक्शन 194Q में तभी बायर होता है जब वो गुड्स परचेस कर रहा होता है विच इज कनेक्टेड टू हिज पी इन इंडिया। तो अगर उस नॉन रेसिडेंट का भारत में देखो पी है और जो गुड्स को परचेस कर रहा है वो इफेक्टिवली उसी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से कनेक्टेड है, तब तो 194Q अप्लाई करेगा और उस नॉन रेसिडेंट को भी 194Q का टीडीएस करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अच्छा देखेंगे, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q शैल नॉट अप्लाई टू नॉन रेसिडेंट हुज परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर रेसिडेंट इन इंडिया इज नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद पी ऑफ सच नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अच्छा देखेंगे, अच्छा मैं एग्जेम्प्ट इनकम की हमने आपके साथ बात कर ली, देखेंगे क्या इनकॉर्पोरेशन में लगेगा नहीं लगेगा, जिस प्रीवियस ईयर में बायर हमारा इनकॉर्पोरेट हो रहा उस प्रीवियस ईयर में अप्लाई नहीं करेगा। वेदर सेक्शन 194Q अप्लाई टू द बायर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस इज लेस देन रुपीज 10 करोड़ लेस। हम जो 194Q के लिए जो हम मतलब टर्नओवर देखेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के टर्नओवर देखेंगे, उसके लिए हम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर, क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 194O 206C1H एंड सेक्शन 194Q। तो आपको अभी तक दो सेक्शन तो समझ में आ गए, आपको 194Q समझ में आ गया और 206C1H समझ में आ गया, बट आपको 194O समझ में नहीं आया जो कि डील करता है जब आप गुड्स वगैरह को सेल करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब ECP इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पोर्टल बेसिकली। तो उस केस में अगर आप गुड्स को सेल करते हैं तो उस पर 194O का टीडीएस होता है। तो ये हम आपके साथ देखेंगे डियर जब हम आपके साथ देखेंगे इक्वलाइजेशन लेवी, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी और 194O का जो मतलब टीडीएस है इसमें बहुत कुछ सेम ही है, कॉमन है, और उन दोनों का साथ में एनालिसिस करना पड़ेगा, इक्वलाइजेशन लेवी का और 194O का। तो डियर 194O जब आपको समझ में आ जाएगा तो हम आपके साथ ये वाला प्रोविजन पढ़ेंगे जहां पे हम आपके साथ तीनों का एक साथ एनालिसिस देखेंगे। अच्छा और तो आपको ना इसमें से भी बहुत सारी बातें समझ में आएंगी जो कि 194Q और सेक्शन 206C1H से डील करती हैं, वो सारी की सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, बट जो बातें सेक्शन 194O से डील करती हैं फिलहाल वो आपको समझ में नहीं आएंगी। अच्छा देखेंगे डियर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194Q इन केसेस वेयर एग्जम्पशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 206C1H CBDT सर्कुलर। हमने आपके साथ पहले भी बात की थी कि लेट्स से आप ना कोल परचेस कर रहे हैं, आप कोल परचेस कर रहे हैं तो जो कोल का सेलर है उसे सेक्शन 206C1 के हिसाब से TCS करना पड़ता है, पर सेक्शन 206C1 ये कहता है कि यदि बायर उस कोल को परचेस कर रहा है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह, और बायर यदि इस बात की अंडरटेकिंग दे देता है टू द सेलर, उस केस में सेक्शन 206C1 का TCS सेलर को नहीं करना। ठीक बात है, अच्छा ये बात हमने आपके साथ देखी थी। अच्छा अब सवाल बनता है कि यहाँ पे ऑल दो ट्रांजेक्शन वॉज सब्जेक्टेड टू TCS अंडर सेक्शन 206C1
ठीक है। और अगर आप 194Q देखेंगे तो 194Q कहता है कि यदि कोई ट्रांजेक्शन सेक्शन 206C1 के टीसीएस के लिए के लिए के उसके अगर वो अप्लाई करता है एक्सेप्ट 206C1H, उस पे 194Q का टीडीएस नहीं लगता। तो एक मतलब सवाल आया कि सर जी यदि कोई ट्रांजेक्शन जहां पे सेक्शन 206C1 का टीसीएस लगता तो है बट वो एग्जेम्प्ट हो गया बिकॉज ऑफ सेक्शन 206C1A, क्या उस पे हम 194Q लगा सकते हैं? तो सिविलिटी ने कहा हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q विल अप्लाई इन सच केसेस कवर्ड अंडर सेक्शन 206C1A एंड बायर इज लायबल टू मेक टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। तो अगर आप कोई ऐसा गुड्स परचेज कर रहे हैं जो कि सेक्शन 206C1 में कवर्ड है बट उसको टीसीएस से एग्जम्पशन मिल गई बिकॉज ऑफ सेक्शन 206C1A, उस केस में बायर को सेक्शन 194Q के हिसाब से टीडीएस करना पड़ेगा। पर्पज यह है कि साहब सरकार के पास जानकारी जानी चाहिए, चाहे वो सेलर से जाए चाहे वो बायर से जाए। ठीक बात है। अच्छा, मेरी बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लेट से डील कर रहे हैं विद द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट नॉट बीइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेशन, मेरी बात पर डे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या जो स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं उनको कोई अलग से प्रिविलेज नहीं दी गई। जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो नॉर्मली वो उनको टीडीएस के पर्पज के लिए नॉर्मल तरीके से डील किया जाता है। तो लेट से कि अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन को आप पेमेंट कर रहे हैं फॉर द सेल तो आपको 194Q का टीडीएस करना पड़ जाएगा। अगर वो आपको पे कर रहे हैं तो उनको सर जी आपको जो वो पे करेंगे उस पे उनको 194Q का टीडीएस करना पड़ जाएगा। बट जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट, डिफेंस और बाकी हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेलवे हो गया वगैरह वगैरह, उनके ऊपर क्या 194Q अप्लाई करेगा? तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे। अच्छा, इशू, कैन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट बी अ बायर फॉर द पर्पस ऑफ 194Q? क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बायर हो सकता है 194Q के लिए? सर बायर हो सकता है मतलब क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपसे अगर कुछ परचेज कर रहा है गुड्स का तो क्या उसे 194Q का टीडीएस करना पड़ सकता है? क्योंकि बायर तब होगा साहब, अगर वो बायर है तभी तो वो 194Q का टीडीएस करेगा। अच्छा, क्या वो कमर्शियल या बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज्ड है? अगर वो डिपार्टमेंट कमर्शियल या बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज्ड है तो हाँ वो बायर है और उसे 194Q का टीडीएस करना पड़ सकता है। पर यदि वो कमर्शियल या बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज नहीं है तो उसके बावजूद अगर वो आपसे गुड्स परचेज करता है, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपसे गुड्स परचेज करता है तो उसे 194Q का टीडीएस नहीं करना क्योंकि उसे बायर नहीं माना जाएगा। अच्छा, क्या आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सेलर कंसिडर कर सकते हैं फॉर 194Q पर्पस? केंद्र डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी कंसिडर्ड एज सेलर फॉर द पर्पस ऑफ 194Q, मतलब अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर आप कुछ सेल करते हैं, मतलब अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ बाय करते हैं तो आप क्या बनेंगे? बायर। और वो क्या बनेंगे? सेलर। तो क्या आपको 194Q का टीडीएस करना है? तो इसका जवाब है नहीं, तो अगर लेट से आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ परचेज कर रहे हैं और यू बींग द बायर, क्या आपको 194Q का टीडीएस करना है? नहीं, क्योंकि सर जी वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, आप गवर्नमेंट से ही पैसा काट के क्या सरकार को दे दोगे? अच्छा, देखेंगे। नो, हिंस नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q बाय द बायर वेयर एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इज द सेलर ऑफ गुड्स टू हिम। अच्छा, ध्यान दीजिएगा। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश अंडर द सेंट्रल और स्टेट एक्ट और एनी अदर सच बॉडी अथॉरिटी और एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ 194Q टीडीएस शुड बी अकॉर्डिंग। ये बात हमने साथ की। अच्छा, ये जरूर से घर पे पढ़े, जल्दी से मेरे साथ एक एग्जाम्पल देखेंगे। पर्टिकुलर केस 1, केस 2, केस 3, टर्नओवर ऑफ सेलर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, टर्नओवर ऑफ द सेलर 11 लाख। तो पहले केस की बात करते हैं। टर्नओवर ऑफ द बायर 5 करोड़। अच्छा, 11 करोड़ 5 करोड़। आपको देखना है कि यहाँ पे टीडीएस लगेगा या फिर टीसीएस लगेगा, ठीक है। अच्छा, टर्नओवर ऑफ द सेलर है 11 करोड़, टर्नओवर ऑफ द बायर है 5 करोड़, तो इसका मतलब बायर का टर्नओवर 5 करोड़ होने की वजह से 194Q तो सब आएगा नहीं, क्योंकि बायर आप जो है वो एक स्पेसिफाइड बायर नहीं है फॉर 194Q पर्पस। हाँ, 194Q नहीं आएगा, पर चूंकि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो यहाँ पे टीसीएस सेक्शन 206C1H आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? यहाँ पे सेक्शन 206C1H का टीसीएस आ जाएगा पर यहाँ पे 194Q का टीडीएस नहीं आएगा बिकॉज द टर्नओवर ऑफ द सेलर इज लेस देन इज नॉट एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़। अच्छा, आगे देखिए।
सेल ऑफ गुड्स, तो पूरे साल इस इसने बायर को 10 करोड़ रुपए की गुड्स सेल किए हैं, मतलब सेलर ने पूरे साल बायर को 1.5 करोड़ रुपए की गुड्स को सेल किया। अच्छा, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर, 194Q के टीडीएस को प्रायोरिटी क्यों दी गई थी ओवर सेक्शन 2061H का टीसीएस? सर, क्योंकि 194Q का जो टीडीएस होता था वो बायर को करना पड़ता था एट अ टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सम और एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सम इन हिज बुक्स, मतलब वो एक्चुअली पे कर रहा होता था या अपने बुक्स में सम को क्रेडिट कर रहा होता था इन द अकाउंट्स ऑफ द सेलर। पर 2061H का टीसीएस सेलर कब करता था? जब उसे पेमेंट रिसीव हो रही होती थी फ्रॉम द बायर, मतलब TCS under section 2061H is being collected by the seller when the payment is being received to him from the buyer. क्या मेरी बात समझ पाए साहब? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, पूरे साल में सेल कितनी की हुई? 1.5 करोड़ रुपए की, मतलब सेलर ने बायर को पूरे साल 1.5 करोड़ रुपए की गुड्स को सेल किया, पर सेल्स कंसिडरेशन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना? 1 करोड़, मतलब सेलर के पास पैसे आए कितने, सेलर को पैसे मिले कितने? 1 करोड़ रुपए। तो हम सेक्शन 2061H के लिए जो सेल्स कंसिडर करेंगे वो हम कितना कंसिडर करेंगे? 1 करोड़ रुपए। तो टीसीएस का अमाउंट कितना होगा? इस 1 करोड़ में 50 लाख रुपए छोड़ दो और उसका 0.1%, मतलब 5,000 रुपए बनेगा शायद। अच्छा, 5,000 रुपए। आगे आते हैं केस टू, टर्नओवर ऑफ द सेलर, ये ऐसा 5 करोड़, इसलिए यहाँ पे 2061H अप्लाई नहीं करेगा। बायर के केस में 194Q अप्लाई कर जाएगा। सेल ऑफ गुड्स 1.5 करोड़, भले आप कितना भी पे करें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.5 करोड़ में 1 करोड़ रुपए आपने पे कर दिया होगा, चलें अच्छी बात है, और 50 लाख रुपए आपने अपने बुक्स में क्रेडिट कर दिया होगा एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो पूरा का पूरा 1.5 करोड़ रुपए काउंट होगा एज अ परचेज, उसमें से 50 लाख रुपए छोड़ दो, 1 करोड़, उसका 0.1% बोले तो 10,000। अच्छा, चले देखेंगे यहाँ पे सेलर का जो टर्नओवर है वो है 11 करोड़, तो यहाँ पे सेक्शन 2061H भी अप्लाई कर रहा है और बायर 194Q भी अप्लाई कर रहा है, तो अगर दोनों ही अप्लाई करें तो आप 194Q को प्रायोरिटी दोगे, 2061H छोड़ दो। सेल है 1.5 करोड़ रुपए, चूंकि 194Q अप्लाई कर रहा है तो एट अ टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो सर जी दोनों ही यहाँ पे काउंट हो जाएगा, तो 1.5 करोड़ जिसमें से 50 लाख छोड़ दो, तो अगेन 1% उसका 0.1% बन दो। अच्छा, चले।